नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोबाइल पे का बोले वोटर, और मैं हूं प्रशांत रामेश्वर शर्मा। और इलेक्शन ब्लॉग में अब आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। पिछले एपिसोड में हम आपको मेरठ लेकर गए थे और अब आगे बढ़ रहे हैं मुजफ्फरनगर की तरफ, यानी कि यूपी का एक और फेमस ज़िला। वहाँ पर जाएंगे और लोगों से जानेंगे उनकी राय कि वो क्या सोचते हैं 2022 चुनाव के बारे में। तो चलिए चलते हैं आगे और लेते हैं यहाँ से मुजफ्फरनगर के लिए बस। तो मुजफ्फरनगर के सफ़र पर है और ये बस का सफ़र है। ये सफ़र बेहद ख़ास है क्योंकि लोगों से बातचीत होती है तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में किसकी लहर चल रही है। एक भाई साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, ज़रा ये बताइए कि क्या लगता है 2022 में किसकी लहर चल सकती है इस बार? बीजेपी की लहर चलेगी। बीजेपी की लहर, क्या लगता है योगी सरकार ने ऐसा क्या काम किया है जिससे इस बार उसकी वापसी हो जाएगी? भाई ये बताओ कौन सा काम नहीं किया, हर तरह की गुंडागर्दी खत्म हुई। नमस्कार मैडम, पकड़ी लेवल पकड़ी मेरा, ऐसा जोर से बोलिएगा। कहाँ की रहने वाली हैं आप? भैया रहने वाले तो यहीं के हैं, मुजफ्फरनगर के, लेकिन मोदी नगर जा रहे हैं अब हम। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि इस बार जो है किसका सफर, चुनावी सफर ज्यादा अच्छा रहेगा, कौन सी राजनीतिक पार्टी का? यहाँ यूपी में देखो तो योगी जी बेस्ट है, और अच्छा। सरकार की देखो तो मोदी जी तो बेस्ट है ही है, क्योंकि वुमेन्स की सिक्योरिटी को देखो, जितनी भी गरीबों के लिए योजना बनाई है उन लोगों ने, वो बेस्ट, आज तक किसी ने भी इतनी अच्छी योजना नहीं चलाई है जितनी उन्होंने चलाई। लेकिन प्रियंका गांधी इस बार महिलाओं का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठा रही हैं। वो इतना कुछ होता नहीं है, जितना जो कुछ प्रूव करके योगी जी ने, मोदी जी ने दिखाया है, वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। और समाजवादी पार्टी कह रही है यूपी में लोगों को बिजली नहीं मिलती, किसानों को बिजली नहीं मिलती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जितना अच्छा गन्ने का बिल देखो वो पास कराया है, इतना कुछ अनाज के ऊपर देखो गेहूँ के दाम कितने, वो सब कुछ उन्होंने पे किया है, ऐसा कुछ आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है। आप तो गृहिणी हैं, तो आपको क्या लगता है किचन का जो बजट बिगड़ा है उस बजट का असर पड़ेगा इस बार 2022 के चुनाव पर? बजट का असर तो हर बार पड़ता है ना, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी सरकार ने कितनी अच्छी योजनाएं निकाली है। मतलब देखो मुफ्त राशन भी मिल रहा है गरीबों को, तो बड़े लोगों को तो वैसे भी कोई असर नहीं पड़ता है हम ज़्यादा, लेकिन छोटे लोगों का अगर असर पड़ता है तो वो मुफ्त में राशन भी बांट रहे हैं, ये बहुत अच्छा है जी। आपके पड़ोस में कौन भाई साहब बैठे हैं? पीछे पीछे जरा पास कीजिए जी। नमस्कार भैया, क्या लगता है हर्षित जी 2022 में किसी सरकार? देखो ऐसे कंफर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, सब अभी अच्छी रेस में है इस बार, क्योंकि बीजेपी के विधायक भी पार्टी सत्ता छोड़ के वो इस्तीफा दे रहे हैं, लगता है कि चेंज होने के मूड में है। वैसे भी कोई ऐसा खास नहीं रहा बीजेपी का, सब किसान लोग भी परेशान रहे हैं। मैडम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता। कहाँ की रहने वाली हैं? अब तो फिलहाल ससुराल जा रहे हैं, दिल्ली। अच्छा ससुराल जा रही हैं, तो बीजेपी की सरकार है? रहेगी। आप पकड़िए लेवल, पकड़िए लेवल, पकड़िए मेरा। अब बताइए खुल के क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार तो रहेगी। सरकार रहेगी? हाँ जी रहेगी। बीजेपी की? हाँ जी। बेहतर काम किया? हाँ, गरीब आदमी की मदद कर रही है, गरीब आदमी की मदद कर रही है। तो मुजफ्फरनगर के सफर पर हैं और लगातार लोगों की राय जान रहे हैं। जल्द ही मुजफ्फरनगर पहुंच जाएंगे और वहां जानेंगे लोगों की राय कि शहर के अंदर कौन कौन सी फेमस जगह हैं और क्या वहाँ की जनता चाहती है। तो मौसम काफ़ी सर्द है और इस वक्त हम हैं मुजफ्फरनगर की गलियों में। ये मुजफ्फरनगर का रुड़की रोड है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, लेकिन यहाँ हमें लोगों की राय जाननी है, तो देखते हैं कि क्या कुछ सोचते हैं मुजफ्फरनगर के लोग। क्या नाम है आपका? हेलो, मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और इलेक्शन ब्लॉग बना रहा हूँ। आप, ये आपकी शॉप है? मौसम तो काफ़ी सर्द है, तो क्या लगता है आपको इस सर्द भरे मौसम में जब आप वोट डालने जाएंगे 10 फरवरी को, तो क्या लगता है किसकी सरकार बन सकती है इस बार 2022 में? हमारे तरफ से तो मोदी के लिए जी, हाँ जी। हमारे तरफ से मोदी के लिए हाँ है। सरकार मोदी के साथ योगी सरकार सेटिस्फाइड है योगी सरकार से? बीजेपी के साथ है हमेशा जी, बीजेपी अब साथ साथ रहेगी और हम उसके साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बीजेपी है तो थैंक यू। तो लोग लगातार अपनी राय बता रहे हैं। नमस्कार दादा, क्या करते हैं आप? मैं बिजली वाला हूं। मास्क नहीं लगा रखा आपने? देखिए कोरोना महामारी कितनी तेजी से फैल रही है। चलिए ये बताइए 2022 में क्या लगता है रुझान किसके पक्ष में जा सकता है? मेरा टाइम नहीं लगता, मैं तो साइड पर रहता हूँ, बाहर वोट तो देते होंगे। तो क्या लगता है कि सरकार ने बेहतर काम किया है, सरकार को
बदलना चाहेंगे। बढ़िया काम किया सरकार, बेहतर काम किया है, शुक्रिया, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मार्केट अभी खुल ही रहा है और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? ये आपकी शॉप है? हाँ जी। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार इस बार? मोदी जी की बनेगी। मोदी जी की? खुश है सरकार के काम से? नहीं नहीं है। तो फिर भी मोदी जी की सरकार बना रहे हैं? बनेगी जबरदस्ती। तो आप अपनी राय बताइए, जबरदस्ती क्यों बनवा रहे हैं? वोट कीजिए, जनता चाह रही है ना। अच्छा, तो आप जनता नहीं है? जी जी, आप बताइए दादा, प्लीज नीचे आइए। हाँ जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, किसकी सरकार इस बार? सरकार इस बार तो मोदी की कम संभावना है। अच्छा। हाँ, मोदी की कम है संभावना। हाँ जी। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख सकते हैं कि मुजफ्फरनगर की गलियों में है और राय जान रहे हैं लोगों से कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। नमस्कार नमस्कार, हाय। ठंड है तो अलाव जल रहा है, आगे वहाँ चलते हैं लोगों से जानने के लिए कि आखिर क्या कुछ है। नमस्कार, क्या बात है, ठंड बहुत है? हाँ जी हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित शर्मा है सर। मोहित जी, जरा उठिए यार, बात करते हैं आपसे। मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपने मास्क नहीं लगा रखा, देखिए कोरोना वेरिएंट कितनी तेजी से फैल रहा है। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है इस बार 2022 में किसका रुझान, किसकी सरकार? बीजेपी की होगी भाई साहब। बीजेपी की? खुश है सरकार के काम से? हाँ जी। बहन जी नमस्कार, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी जीतेगा। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, अलाप को तापते रहिए और आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर बढ़ता है आगे जानने के लिए कि 2022 में किसका है रुझान। नमस्कार। हाँ जी सर। हाँ जी, क्या लगता है आपको 2022 में किसकी सरकार? कमल का फूल। कमल का फूल पक्का। नमस्कार, आपने मास्क नहीं लगा रखा, बहुत बुरी बात है, प्लीज़ मास्क लगाइए। बार बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, मोदी सरकार। नमस्कार दादा, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद लियास। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार बनेगी इस बार? उसकी बनेगी, उसकी बेहतर है। नमस्कार मैडम, कैसी हैं आप? मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, सर्वे कर रहा हूँ कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको? देखो बनने तो सही है, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार के काम से खुश हैं? हाँ जी हाँ जी। क्या बेहतर काम किया है बीजेपी ने? ऐसा सब कुछ किया है, गुंडागर्दी खत्म की है, बहुत ज़्यादा कुछ है जी, मतलब कि लड़कियों का खुलेआम आना जाना जी, किसी चीज़ की वो नहीं है, टेंशन नहीं है। चलिए, थैंक यू थैंक यू। भैया नमस्कार, बड़ी तेजी से जा रहे हैं आप, क्या नाम है आपका? क्या किस चीज़ की रेडी लगाते हैं? छोले। अच्छा, तो कस्ता छोले। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? 2022 में किसकी सरकार? मोदी की आवेगी, मोदी की। मोदी की? आ, पक्का? हाँ पक्का। महंगाई बड़ा मुद्दा नहीं है? मोदी तो छका रहा है आदमियों को। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी छका रहा है आदमियों को। नमस्कार भैया, कैसी चल रही है साइकिल की दुकान? क्या लगता है 2022 में साइकिल वाली सरकार आएगी? जी भैया, दादा नमस्कार, पहले ये बताइए कैसी चल रही है साइकिल की दुकान? बढ़िया चल रही है जी। आपकी जिस तरीके से आपकी बता रहे हैं दुकान बढ़िया चल रही है जी। 2022 में साइकिल की सरकार आप आएगी? आएगी, ये तो आने वाले समय ही तय करेगा। नहीं, आप वोट देते हैं तो आपको क्या लगता है रुझान सरकार से खुश हैं या सरकार बदलेंगे? नहीं, हम तो इस सरकार से ही खुश हैं। दादा आपका कहना चाहेंगे? हम तो साइकिल वाले से खुश हैं। साइकिल वाले से बदलेंगे सरकार? बिल्कुल बदलेंगे। चलिए, तो कुछ लोग बीजेपी के पक्ष में हैं और कुछ लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। सुबह का वक्त है, सर्दीला मौसम है और पहुंच चुके हैं शिव चौक पर, और शिव चौक से आगे जाएंगे तो पड़ेगा भगत सिंह रोड। और ये देखिए मुजफ्फरनगर का प्रसिद्ध शिव चौक, बात करते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? जरा इस मंदिर की कुछ खासियत तो बताइए हमें। ये जो हमारा सिद्धपीठ मंदिर है ये, और इसकी इतनी मान्यता है कि वो आप सच्चे मन से मानोगे वो हमेशा पूरा होगा। तो ये बताइए 2022 के चुनाव आने वाले हैं, इस बार ये किसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे मुजफ्फरनगर से? हाँ, तो फूल खिलता है, हमेशा फूल खिलता आया है और हमेशा फूल ही खिलेगा जी। बीजेपी ने इतना काम किया है, हर आदमी को, छोटा आदमी हो बड़ा आदमी हो, सबके लिए किया है जी। और यूपी में जो सबसे बड़ा काम योगी जी ने किया है, मैं आपको मुजफ्फरनगर की बात बताता हूँ। मुजफ्फरनगर में ये स्थिति थी कि कभी भी आप कहीं चले जाओ, किसी के साथ भी कभी भी कोई हादसा हो सकता था। आप कहीं कोई व्हीकल खड़ा करो और मिनटों में वो व्हीकल साफ हो जाता है जी। आज स्थिति ये है कि वो जितना क्राइम था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है।
2022 में किसकी सरकार बनाएंगे यूपी में इस बार? हमें फायदा दे रहा। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। दादा आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार। मोदी सरकार। चलिए मोदी योगी। ये भगत सिंह मार्ग आ गए हैं। ये भगत सिंह रोड है। भगत सिंह रोड है ये। ठीक है, यहाँ आगे मार्केट है। मार्केट है सारा। चलिए धन्यवाद। भगत सिंह रोड पर आ चुके हैं। नमस्कार, क्या हाल है? जी सर बहुत बढ़िया। क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? योगी। योगी, आप यहाँ पे दुकानदारी करते हैं? जी, दुकानदारी। प्लीज मास्क लगाइए, कोरोना तेजी से फैल रहा है। नमस्कार दादा, क्या लगता है किसकी सरकार? आपके तो जज्जा है जी। जी आपके तो टक्कर है, कांटे की टक्कर है। पक्का, बिल्कुल एकदम। बीजेपी का तिलिस्म मिलेगा यहाँ से इस बार? महंगा है, महंगा है जी दादा। जी पब्लिक का जो रुझान है वो योगी की तरफ है। योगी तरफ। आप क्या कह रहे हैं? गुंडागर्दी खत्म कर दी है, लोग सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। गुंडागर्दी से कोई है भाई साहब, गुंडागर्दी से कोई है, महंगाई भी तो होनी चाहिए भाई साहब। महंगाई बड़ा मुद्दा है। अरे महंगाई तो है ही। अजी हम तो योगी जी को लाइक करते हैं। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। चलिए धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं अपने घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत के साथ इलेक्शन ब्लॉग। यहाँ पर कोई रिटेक नहीं है, जनता जो बोल रही है, जनता की सीधी बात आप तक। नमस्कार, क्या हाल है दादा? आपकी शॉप है जी। 2022 में किसकी सरकार? योगी सरकार। योगी सरकार। और महंगाई बढ़ रही है, उसका क्या? महंगाई तो बढ़ती रहती है हमेशा जी, उसमें क्या है, किसी भी सरकार में कोई महंगाई ऐसी थोड़ा, ये कम हुई है। अच्छा, हर सरकार में बढ़ती है। अच्छा, हर सरकार में। आप यंगस्टर हैं। अरे शर्मा क्यों रहे, प्लीज आइए। क्या वोट करते हैं? नमस्कार दादा, क्या हाल है? बहुत बढ़िया लगा। ये आपकी शॉप है जी। ये बताइए क्या दुकानदारी कैसी चल रही है? दुकानदारी सही है, बढ़िया बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। अब जरा ये बताइए, ये सरकार कैसी चल रही थी जो बीजेपी की सरकार है? बहुत बढ़िया जी। इससे बढ़िया सरकार नहीं आई जी। इस सरकार में गुंडागर्दी खत्म हो गई, महंगाई का थोड़ा मुद्दा, महंगाई तो बढ़ती रहती है, महंगाई घटेगी कहाँ? रिपीट करेंगे सरकार को? हाँ क्यों नहीं। चलिए धन्यवाद आपका। तो लोगों का रुझान जानने निकले हैं। दादा नमस्कार, इतना बोझ ढोकर आप चल रहे हैं, क्या करते हैं आप? क्या करते हैं आप? दुकान है हमारी, अपने घर दुकान है। कैसी चल रही है दुकान? बढ़िया चल रही है। बढ़िया। अब ये बताइए 2022 में किसकी सरकार? सरकार बीजेपी की आएगी। बीजेपी की। और क्या, खुश हैं? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अच्छा, इसमें विश्वास करते हैं। चलिए, राम मंदिर भी एक बड़ा मुद्दा है। दादा नमस्कार। नमस्कार। आपको क्या लगता है? बीजेपी का जोर है, बीजेपी का जोर है। चलिए भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मुजफ्फरनगर की सड़कों पर हैं, और ये देखिए क्या देखने को मिला है, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये है मुजफ्फरनगर का फेमस गुड़, जो कि मुजफ्फरनगर की आन बान शान है, यानी कि मुजफ्फरनगर इसी चीज़ के लिए जाना जाता है। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? गुड़ का बिजनेस करते हैं? हाँ, गुड़ का करते हैं। क्या लगता है आपको इस बार जब 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा, तो किस राजनीतिक पार्टी के हिस्से ये मीठा गुड़ लगेगा? जोन से हो जाएगा उसके मीठा गुड़ लगेगा। क्या लगता है मुजफ्फरनगर का क्या रुझान लगता है? तो किसकी सरकार बनाएंगे इस बार? 22 में किसकी सरकार बनाएंगे? 22 में 22 में किसकी सरकार बनाएंगे? किसकी सरकार बनाएंगे 22 में? 22 में तो भाजपा की आओगी सर। भाजपा की। चलिए, तो मुजफ्फरनगर की गलियों में नमस्कार, क्या नाम है आपका? देवांश गर्ग। यार ये बताइए गर्ग जी, ये दरगाह का नाम क्या है? ये मुजफ्फर अली की दरगाह है। अच्छा, कोई इनके नाम पर शहर है? अच्छा, इनके नाम पर शहर है ये। तो देखिए भाई, ये मुजफ्फरनगर की मिलीजुली संस्कृति है। अभी हम पीछे थे फेमस शिव मंदिर और ये है अभी दरगाह, जिनके नाम पर मुजफ्फरनगर का जो है वो शहर बसा हुआ है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या लगता है आपको मुजफ्फरनगर में किसकी सरकार इस बार? हम तो यूपी के इसमें मोदी जी का सपोर्ट करेंगे। मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। उन्हीं को वोट देंगे, काम किया सरकार ने। हाँ जी। चलिए अच्छा। चलिए धन्यवाद आपका। नमस्कार दादा, क्या बात है, क्या नाम है आपका? क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? चलते रहिए, आपको लेट नहीं करेंगे। बीजेपी की सरकार, बीजेपी सरकार के समर्थन में। चलिए धन्यवाद आपका बहुत बहुत। नमस्कार मैडम, नमस्कार, क्या नाम है आपका? वसुधा शर्मा। मैडम ये बताइए 2022 में किसकी सरकार इस बार? बीजेपी। बीजेपी, मुजफ्फरनगर की जनता बीजेपी के साथ जाएगी। हाँ जी। क्या क्या बेहतर काम किया योगी सरकार ने? सारा अच्छा काम किया है जी। भूखों को रोटी खिलाई, उससे ज्यादा क्या वो है, ये बताओ। खुश है सरकार के काम से? हाँ। चलिए बहुत बेहतर। तो लोग लगातार खुश हैं
कुछ फल वाले लोग भी मौजूद है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। क्या लगता है किसकी सरकार इस बार? बीजेपी की। चलिए बहुत दादा नमस्कार, क्या नाम है आपका? विकास। अरे वाह, तो पहले तो ये बताइए, हाँ। आपका इतना प्यारा नाम है, बीजेपी सरकार ने विकास किया है 5 साल में? योगी या अखिलेश आगे विकास करेंगे? नहीं नहीं, योगी, सिर्फ योगी। सिर्फ योगी जी विकास? अखिलेश ने पिछले 5 साल में विकास नहीं किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, योगी ने? योगी जी। चलिए धन्यवाद आपका। तो लगातार लोग मोदी सरकार की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार बनेगी, योगी सरकार बनेगी, और कोई कह रहा है कि इस बार साइकिल दौड़ पड़ेगी पिछली बार की तरह। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बताइए। योगी जी साइकिल नहीं, योगी जी कमल का फूल ही खिलाएंगे कोशिश सरकार के काम से। चलिए भैया धन्यवाद आपका। और किसी ने बताया कि यहाँ से खालापार जो एरिया है वो मोमनन एरिया है, और वहाँ पर चल के मुस्लिमों की राय जानेंगे कि मुजफ्फरनगर के मुस्लिम क्या सोचते हैं। भाई साहब खालापार जाएंगे क्या? खालापार जा रहे हैं। मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और लोगों की राय जान रहा हूँ कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या लगता है आपको किसकी सरकार? सर सरकार उसकी बनेगी जिसने विकास किया है। तो मैं आपके साथ साइकिल की सवारी कर सकता हूँ वहाँ तक? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक साइकिल की सवारी कर रहे हैं जी सर जी, क्योंकि चुनाव में साइकिल की, नमस्कार नमस्कार, साइकिल की सवारी करना भी बहुत जरूरी है। और ये हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलशाद है सर जी। दिलशाद जी? जी जी सर जी। तो आप मुझे खालापार एरिया तक छोड़ देंगे? जी बिल्कुल सर। जरा ये तो बनाइए, बताइए कि चुनाव में जी जी क्या रुझान आपको लगता है इस बार 2022 में? सर तो इलेक्शन के बाद ही मालूम होगा क्या है कि दोनों तरफ, थोड़ा जोर से बोलिएगा मेरा माइक कैच कर ले आपकी आवाज़। सर दोनों तरफ रुझान है सर, इलेक्शन के बाद ही मालूम हो पाएगा सही तो जी क्या मामला है क्या नहीं है जी, क्योंकि दोनों गवर्नमेंट, सब गवर्नमेंट अच्छी है, किसी कोई गवर्नमेंट खराब नहीं हो सकती है। और पहुंच चुके हैं मुजफ्फरनगर के फेमस खालीपार इलाके में, और यहां पर जाने के लोगों से राय कि 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर का गुड़ फेमस है, उसी तरीके से तारी काफ़ी फेमस होती है। तो तारी वाले से बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका दादा? सलीम भाई। सलीम भाई ये बताइए क्या ये, क्या ये, क्या आप तारी बना रहे हैं? ये वेज है या नॉन वेज है? वेज है। हाँ तो ये बताइए, तेरा तहारी बनाते बनाते लोगों को खिलाते हुए 2022 में किसकी सरकार बन सकती है इस बार, क्या लग रहा है आपको इस बार किसकी? अखिलेश जी की सरकार। नमस्कार दादा, क्या नाम है आपका? तुषार। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार इस बार? अभी कुछ नहीं कह सकते, ये तो वक्त अल्लाह बताएंगे कि किसकी बनेगी। नहीं अल्लाह बताएंगे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन रुझान होता है तो रुझान को देखकर क्या लगता है मुजफ्फरनगर की जनता किसके साथ जा सकती है इस बार? देखते हैं कि भाजपा को बता रहे हैं, भाजपा के साथ जा, भाजपा के साथ जा सकती है जी। दादा आपको क्या लगता है किसकी सरकार? अखिलेश का चांस नजर, अखिलेश का चांस। दादा आप क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप? नहीं आप ये क्या बना रहे हैं, तारी बना रहे हैं? बिरयानी। क्या लगता है इस बार किसकी बिरयानी बनेगी, इस बार यूपी में किसकी बिरयानी बनेगी जी बताइए, किसकी बिरयानी यूपी में इस बार? आप क्या चाहेंगे बता दें, हमें नहीं पता। बीजेपी या समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कौन? समाजवादी आएगी, समाजवादी आएगी। चलिए लगातार लोगों से राय जान रहे। नमस्कार दादा, अलाव का आनंद लिया जा रहा है, क्या लगता है दादा इस बार 22 में किसकी सरकार? हमारी दुकान है जी, बाल काटने की। नहीं दुकान तो आपकी बाल काटने की है, ये बताइए इस बार किसकी अच्छी हजामत बनेगी 2022 में? मोदी की हजामत बढ़िया बनाएंगे। चलिए धन्यवाद आपका। नमस्कार अम्मा, कैसी हैं आप? क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार इस बार यूपी में? इस बार 2022 में मोदी किसकी सरकार? अच्छा कौन सा नेता आपको अच्छा लगता है? अरे बेटा सभी अच्छा लगा। तो खालापार रोड पर हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे आगे लोगों से जानने के लिए कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। दादा क्या लगता है इस बार किसकी सरकार 2022 में? अखिलेश की। योगी सरकार के काम से खुश नहीं है? अच्छा चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे यहीं छोड़ दीजिए आगे, मैं वॉक यहाँ से चल के और लोगों से बातचीत करूँगा। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। खालापार रोड पर हैं और रोड पर चलते चलते हमें ये मस्जिद मिली है जिसका नाम लोग फक्कर शाह मस्जिद बता रहे हैं, और यहाँ पर जानेंगे लोगों से उनकी राय कि 2022 को किसकी सरकार बनाना चाहते हैं। नमस्कार दादा, नमस्कार, क्या नाम है आपका?
मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ और इलेक्शन ब्लॉक कर रहा हूँ। ये बताइए क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार इस बार? पता नहीं जी, हमें तो जिसकी आवेगी हम तो उसमें ही हम जी। दादा आप बताइए क्या लगता है रुझान किस पार्टी की तरफ जा रहा है? जी दादा चलिए आगे आगे लोगों से जानते हैं जी। आप बताइए दादा क्या लगता है किसकी सरकार 2022 में? तो पता नहीं भाई, वोट 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 डालते हैं जी। बताइए जी यही बात, किसकी किसकी सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी 2022 में। अखिलेश यादव को वोट दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए जिस एरिया में मैं अभी मैं हूँ, इस एरिया का नाम खालापार है। खालापार। और ये रोड आगे कहाँ तक जाता है? ये ज्यादा है नई आबादी में, दक्षिणी खालापार है ये सारा एरिया। इस एरिया में मुस्लिम आबादी ज्यादा है? हाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है जी। तो और भी लोगों से राय जानते हैं। नमस्कार दादा, क्या लगता है 2022 में किसकी सरकार? जी क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार से खुश है या सरकार बदलेंगे? जी बदलेंगे। प्लीज़ मास्क लगा लीजिए, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं आगे चलता हूँ, थैंक यू। निकले हुए हैं मुजफ्फरनगर के सफ़र पर और लगातार लोगों से रुझान जान रहे हैं कि आखिर 2022 में किसकी सरकार बनने जा रही है। और अब पहुँचे हैं तुलसीधाम पार्क, यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार दादा, मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ और जानने के लिए निकला हूँ कि 2022 में मुजफ्फरनगर की जनता किसके साथ जा सकती है, क्या लगता है आपको? बीजेपी के साथ ही जाएगी। बीजेपी के साथ, जिसने विकास किया है, जिसने विकास किया है, सुरक्षा दी है, सुरक्षा दी है। ये भारत विकास सम्राट शाखा है। अच्छा यहाँ पर, अच्छा तो उसका आज ये प्रोग्राम चल रहा है खिचड़ी वितरण का। खिचड़ी वितरण का, अब ये तो बात हुई खिचड़ी वितरण की। हाँ। अब जरा ये बताइए मुजफ्फरनगर का वोट वितरण कैसा होगा? बीजेपी को। बीजेपी को, सब बीजेपी है। बीजेपी एक बात सुनो, एक तरफा और खाले पार रहे वाले बीजेपी है। एक तरफा बेहतर काम किया है दादा। आप कुछ बता रहे, थोड़े से हम दूरी बना लेंगे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे जी। दादा क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? इस टाइम तो जो है बीजेपी आया है। बीजेपी? हाँ पक्का बीजेपी, बिल्कुल। ये कांग्रेस महिलाओं की बात करें, नमस्कार माता जी, ये आप क्या खिचड़ी का वितरण कर रहे हैं? तो ये बताइए 2022 में किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की, बीजेपी की सरकार, योगी और मोदी वाले। प्रियंका गांधी की कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो महिलाओं के आरक्षण की बात कर रही है। बेकार प्रियंका, बेकार जी। अच्छा। जी योगी और मोदी जी को देंगे। लेकिन प्रियंका गांधी कह रही हैं कि महिलाओं को आरक्षण दे रही है, अभी उन्होंने जो सीटों की अनाउंसमेंट की उनमें महिलाओं को ज्यादातर सीट दी है। आरक्षण किस बात का जी, सेल्फ मेड बनाओ ना। वो कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं है यूपी में। सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। जी जी मोदी तो कर रहे हैं, यानी आप योगी तो कर रहे हैं। तो आपका घुमक्कड़ रिपोर्टर प्रशांत लगातार सफर पर है और आपको बता रहा है यूपी का चुनावी रुझान। और आप मुझे देखते रहिए लगातार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर, क्योंकि हम लगातार आपके पास पहुंचा रहे हैं रुझान। फिलहाल बढ़ेंगे सफर में आगे और इस ब्लॉग को यहीं देंगे समाप्ति। और लगातार देखते रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।